ये मशाला मगल गल बन रहा है, ये ज़्यादातर मुझे ये पसंद है मशाला। ये मशाला सूप है, बड़ा मज़ेदार टेस्टी। ये अभी डाल रहे हैं हम। अच्छा ये देखे ना, ये गोश्त छोटा छोटा है पीस और गला हुआ है, बड़ा अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद ताज़ा बिरानी। आज हम तैब से जा रहे हैं वादी में, वादी उसको कहते हैं अपना, तरीक जनूब की तरफ है वादी लिया। सिटी से जितने बाहर जाएं, बाहर के जो होटल हैं, बाहर का खाना है, मेरे ख्याल में तो शहर से कुछ काफ़ी यानी बेहतर मिलते हैं, काफ़ी अच्छी उसमें पोजीशन में। अब मैं पहले, आज से तकरीबन 1 साल 2 साल पहले, मैं अक्सर भी वहाँ, हमारा शिरके कंपनी का काम चल रहा था तो हम वहाँ जाते थे, नाश्ता करते थे। बड़ा मज़ेदार नाश्ता हुआ करता था, जिसमें यानी मुगलगल, कलेजी यानी किबदा अरबी में बोलते हैं, मुगलगल यानी ये गोश्त बगैर हड्डी वाला। अच्छा उसके अलावा मुशक्कल भी होता है, साथ में जो शोरबा देते हैं, माशाल्लाह तबरकल्ला सुबहानल्लाह, क्या ही बात है। तो कल कुछ दिन पहले मैं गया था, दुकान बंद हो गई थी, क्योंकि वो पेट्रोल पंप पे थी। अब वो, मैंने गुज़श्ता रोज़ गया तो मैंने देखा तो वो वहाँ कोई और जगह पे शिफ्ट हो चुकी है। उनका जो स्टाफ भी माशाल्लाह बाखलाक है, बड़े अच्छे लोग हैं, उनका खाना भी बड़ा सादा बड़ा मज़ेदार होता है। तो मेरे दोस्त सरफराज अहमद साहब, चौधरी सरफराज अहमद, मेरे छोटे भाई, वो भी मेरे साथ हैं, उनको भी लेते हैं। तो फिर इंशाल्लाह चलते हैं, हमारे साथ रहिए, वीडियो इंशाल्लाह मज़ेदार होगी। खड़े हुए हैं हमारा जी, अलहमदिल्ला सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। ये तरीक जनूब पे पहला इशारा, हम पैसे इशारे पे रुके हुए हैं। मेरे साथ छोटे भाई सरफराज अहमद साहब भी आ चुके हैं, वो भी हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। हम इकट्ठे नाश्ता करेंगे और तो फिर इंशाल्लाह वहाँ जाके हम आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं। ये नाम है इसका मतम का, मतबख व मंदी रिशान, माशाल्लाह। तो इनका नाश्ता मुझे बड़ा पसंद है, ख़ास कर मगलगल जो गोश्त बनाते हैं ना, वो अच्छा होता है। उसके अलावा भी बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं, शोरबा भी इनका बड़ा ज़बरदस्त होता है। चलते हैं वहाँ पर जाके फिर दिखाते हैं। ये सामने ये है मतलब, ये तरीक जनूब पे है वादी लिया। ये जी हम कुछ ये देर बताना चाहेंगे, जो हमारे पाकिस्तान से जो ज़ायरीन आते हैं, हजाज सादिया हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के, उस पे जाते हैं मकाम पे, ये रास्ता, ये रोड है सामने, इधर से गुजरते हैं। अगर उन्हें नाश्ता करना हो, ये सिर्फ उनकी उनके फ़ायदे के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये निशानी है, ये लिखा हुआ देखें, मघी व इसरा अल गालिब, ये सामने मतम व बंदी रिशान। नाश्ता इनका अच्छा होता है, गदे और बाकी खाने का चावल मुर्गी है जिस तरह सऊदी वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाश्ता इनका बड़ा ज़बरदस्त था। ये मैं आपको वो करता हूँ कि ये सामने वो मस्जिद भी है, ग्रीन ग्रीन गुम्बद है उसका, इसके साथ वो भी मतम है, उनका एक अपना वो है, लेकिन इनका हमें टेस्ट बिल्कुल सादा, न इसमें ज़्यादा वो मिसालें या न चीज़ें। इसकी जो लोकेशन है ना, इंशाल्लाह वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप लोगों को अगर आएँ यहाँ नाश्ता करें, यहाँ खाना खाएँ, ताकि आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए। ये जी माशाल्लाह हम अंदर आ चुके हैं इनका, मतलब कितना साफ़ सुथरा माहौल भी अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा ये इसमें बिल्कुल सादी चीज़ें, ये माशाल्लाह मगलगल बन रहा है, ये ज़्यादातर मुझे ये पसंद है माशाल्लाह। हम इसी चीज़ का आर्डर देंगे, साथ में किब्दा, किब्दा फैन जैसे है ना, सभी है ना, वाले तानी मकान नफ्स महारा, वो भी इधर ही बनाते हैं माशाल्लाह, फ्राई करके बड़ा ज़बरदस्त। ये माशाल्लाह सूप है, बड़ा मज़ेदार टेस्टी। ये अभी डाल रहे हैं हमारे लिए भी माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, ये बड़ा जायका होता है इसमें, बिल्कुल गोश्त के साथ बना होता है, यानी अगर खाली पेट खाएं तो वो कहते हैं बड़ा उसके लिए बड़ा अच्छा, खासकर रमजान शरीफ में ये ज़्यादातर खाते हैं इसमें करी बनता अली अच्छा। ये जी हमारा आर्डर आ चुका है, ये भी माशाल्लाह देखो, वही ने उसका लगा दिया, मगल आया माशाल्लाह। ख़ास कर इसमें ये जो है ना खूबस होते हैं, बोर भी होती है और दूसरी भी शाही, शाही लाजम हुआ शाही, वो सूफी लोफी नए ना होते नए ना बिल्ला। अच्छा ये माशाल्लाह ये बिल्कुल गरम गरम, और ये बड़ा शोरबा बड़ा टेस्टी, और इसमें मेरे ख्याल में गोश्त डालते हैं, बड़ा अच्छा होता है माशाल्लाह। अच्छा ये देखे ना, ये गोश्त छोटा छोटा है पीस और गला हुआ है, बड़ा अच्छा।
ماشاءاللہ کھانے میں بڑا یعنی ٹیسٹی اور بڑا، اور اس میں مسالے نہیں ہیں، خالی یعنی مرچ ہے، ٹماٹر اور پیاز اسی میں پکاتے ہیں ماشاءاللہ، تو ٹیسٹ اس کا بڑا زبردست ہوتا ہے، مجھے تو ان کا پسند ہے۔ تو یہ ہو گیا شوربہ، پھر چائے بھی آئے گی انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ملتے ہیں ابھی ہم ناشتہ کر لیں۔ جی شوربہ ماشاءاللہ، اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرم بھی فل ہے اور گوشت کا ذائقہ اس کے اندر آتا ہے، بڑا زبردست ماشاءاللہ بنا ہوا ہے، یہ میری پسندیدہ ڈش ہے۔ سر صاحب آپ کو کیسا لگا یہ ویسے شوربہ؟ اچھا ہے نا، گوشت بھی اچھا، ناشتہ الحمد للہ ہم نے کھا لیا، اب اس میں پودنا ڈال کر سادی چائے، ماشاء اللہ یہ بڑے شوق سے پیتے ہیں سعودی لوگ بھی، یہ ہم یہ بنا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ بھی چائے، اس کے بعد چائے ضروری ہوتا ہے کیونکہ گوشت ہے نا، گوشت کے ساتھ چربی وغیرہ یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے، وہ ساری اندر چلی جاتی ہے۔ تو ناشتے کا بڑا مزہ آیا، ہم اللہ پاک ان کی جزائے خیر دے، بہرحال ٹیسٹ بڑا مزیدار ہے، اس میں کوئی مسالے وغیرہ اس طرح کی چیز نہیں ہے جو کہ ہمیں پسند ہے۔ تو ماشاءاللہ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو، تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی الحال دیجیے ممتاز محمد بلانی کو اجازت، اللہ حافظ۔